है, प्रभु का वर, प्रभु आपसे बात करने जा रहा है। हालेलुया। इस हॉल के अंदर, इस हॉल के अंदर मैं देख सकता हूं एक व्यक्ति उपस्थित है जो आपसे बात करने जाएगा। हालेलुया। इस हॉल के अंदर एक व्यक्ति उपस्थित है जो आपको स्पर्श कर सकता है। हालेलुया। इस हॉल के अंदर एक व्यक्ति उपस्थित है जिसके पास सामर्थ है, उस सामर्थ से वो आपको भर सकता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार है उस सामर्थ को, उस वचन को रिसीव करने के लिए? हालेलुया। आमेन। हालेलुया। आमेन। कितने लोग प्रभु की उपस्थिति को यहां पर अनुभव कर पा रहे हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी जबरदस्ती चिल्ला के प्रभु का उपस्थिति नहीं लेके आ सकता। हालेलुया। प्रभु खुद वहां पर आता है। हालेलुया। आमेन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, प्रभु यहां पर है। आमेन। हालेलुया। हम लोग वचन में जाएंगे जल्दी से, मत्ती का किताब खोलेंगे। मत्ती का किताब उसका दूसरा अध्याय, मत्ती का किताब उसका दूसरा अध्याय। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक से लेके 12 तक पढ़ेंगे। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदा के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक मालूम करो, और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधर्व की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। हालेलुया। कितने लोगों ने वचन को सुना? हालेलुया। आज के दिन पूरा वर्ल्ड, पूरा दुनिया क्रिसमस मना रहा है। हालेलुया। हम भी क्यों इकट्ठा हुआ है? क्योंकि क्रिसमस है। आमेन। क्रिसमस का मतलब क्या है? लोग मानते हैं कि आज यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। आमेन। बाइबल ऐसा कहता है कि बैतलहम करके एक जगह पर मसीह यीशु का जन्म हुआ। वही यीशु मसीह के बारे में जिसके बारे में पुराने करार में लोग उसका इंतजार करते थे। हालेलुया। कि कब मसीह आएगा और हमको उद्धार देगा। हालेलुया। आमेन। बाइबल ऐसा कहता है कि बैतलहम के देश में मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। पर बाइबल जो है तारीख नहीं बताता कि 25 दिसंबर को हुआ है। हालेलुया। मैं आपसे क्रिसमस का मतलब आपको समझाने जा रहा हूं, क्रिसमस का प्रकटीकरण मैं आपको देने जा रहा हूं। हालेलुया। बाइबल कहता है कि मसीह का जन्म बैतलहम करके इस एक जगह पर हुआ, इसके लिए दुनिया क्रिसमस मनाती है। हालेलुया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति मसीह यीशु को स्वीकार करता है, यीशु मसीह का जन्म उसके जीवन के अंदर होता है। हालेलुया। आमेन। अगर आप आज यीशु मसीह को स्वीकार करते हो, यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में नहीं होगा, यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो राजाधिराज पर प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर उसका जन्म आपके जीवन के अंदर होगा। हालेलुया। कितने लोग खुश है? आमेन। हालेलुया। आमेन। यूहन्ना के तीसरे
चैप्टर में ऐसा कहता है, जो यीशु मसीह को स्वीकार करता है उसका एक नया जन्म होता है। आमेन, हालेलुया, उसका एक नया जन्म होता है। हालेलुया, वो व्यक्ति ने यीशु मसीह से पूछा, नया जन्म मतलब क्या? क्या एक इंसान माँ के कोख में अंदर जाके वापस से बाहर आएगा? हालेलुया, पर यीशु मसीह ने कहा, नया जन्म शरीर से नहीं परंतु आत्मा से होगा। हालेलुया, हालेलुया, नया जन्म आपके शरीर के द्वारा नहीं परंतु आत्मा से होगा। आमेन, हालेलुया। उसका मतलब, जब भी एक इंसान यीशु मसीह को स्वीकार करता है, एक आत्मा का जन्म उसके अंदर होता है। वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया, वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप क्रिसमस जरूर मनाएं, पर हर दिन इस बात का आनंद मनाएं कि यीशु मसीह आपके अंदर जिंदा है। हालेलुया, आमेन। वो बेतलहम में नहीं है, वो यरूशलेम में नहीं है, वो यूएसए में नहीं है, वो अफ्रीका में नहीं है, वो इंडिया में कोई दूसरे राज्य में नहीं है, पर वो आपके अंदर जीवित है और वो कार्य कर सकता है, आपके जीवन को आपके अंदर से बदल सकता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। बाहर से तो मैं कोट पहनूंगा, टाई पहनूंगा, अच्छी तरीके से प्रेजेंट करूंगा अपने आप को, हालेलुया, पर मेरा मसीह यीशु बाहर से नहीं बदलता, वो अंदर से बदलता है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया, सोचो ये लड़के को ये हाथ पे फोड़ी आया है। हालेलुया, यहाँ पर एक फोड़ा आया है। आमेन, बहुत क्रीम लगाया उसने, बहुत दवाई लगाई उसने, पर ये फोड़ा नहीं जाता। हालेलुया, जब ये डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने इसको कहा कि बाहर से कुछ लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आमेन, इसका मूल कारण क्यों फोड़ा क्यों आया है, क्योंकि शरीर के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। हालेलुया, डॉक्टर क्या करेगा, उसको कुछ गोली देगा, एंटीबायोटिक देगा। आमेन, जब भी वो गोली खाएगा उसके शरीर के बाहर से कुछ नहीं होएगा, पर शरीर के अंदर से वो गोली कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? शरीर के अंदर से वो दवाई कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया, जब इस शरीर के अंदर से वो दवाई कार्य करेगा, ऑटोमेटिकली वो फोड़ा जो है गलने लगेगा। आमेन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन बदलने के लिए आपको बाहरी रूप को बदलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आपका जीवन बदलने के लिए आपका अंदर का माइंड का मन का सोच बदलना जरूरी है। हालेलुया, आमेन। अंदर से कौन बदल सकता है? अंदर से प्रभु का आत्मा ही बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है, अगर आज आप उसको स्वीकार करते हो, वो आपके अंदर आके रहेगा और आपका जीवन बदलने लगेगा। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। कितने लोग खुश है? हालेलुया, आमेन। क्रिसमस का मौसम है, आमेन, फिर भी मुझे गर्मी हो रही है। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब, क्रिसमस का मतलब क्या है, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्रिसमस का मतलब यह है कि यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लिया। आमेन, वो बेतलहम में जन्म ले चुका था 2000 साल पहले, पर आज वो लोगों के अंदर जन्म ले रहा है। आज अनीता सिस्टर के अंदर जन्म ले रहा है, आज साहिल के अंदर जन्म ले रहा है, आज क्या नाम है, जेसिका के अंदर जन्म ले रहा है। हालेलुया, वो आपके अंदर जन्म ले रहा है। कम ऑन ब्रदर, हालेलुया, सुन रहे आप? आमेन, हालेलुया। कुछ देर बाद आप भी सुनने लगोगे। हालेलुया, आमेन। तो उसका मतलब, यहां पर बाइबल कहता है कि जो ज्योतिष थे वो पूर्व के देशों में रहते थे। हालेलुया, उन्होंने आसमान में एक सितारे को देखा। जैसे उस सितारे को उन्होंने आसमान में देखा, उनको पता लग गया कि ये सितारा मसीह के जन्म को दर्शाता है। हालेलुया, ध्यान से सुने, ज्योतिष जो पूर्व के देश में रहते थे, हालेलुया, मसीह का इंतजार करने वाले लोग यरूशलेम में, बेतलहम में, इज़राइल के देश में थे, यहूदी लोग थे। हालेलुया, पर परमेश्वर ने चिन्ह किसको दिखाया? यहूदी लोगों को नहीं दिखाया, उसके खुद के लोगों को नहीं दिखाया, पर पराए देश के, पूर्व के देश के कुछ लोगों को प्रभु ने एक चिन्ह दिखाया। हालेलुया, ध्यान से मेरी बात सुने। पूर्व के देश के लोगों ने उस सितारे को देखा और उनको पता चल गया कि मसीह का जन्म हुआ। उस सितारे को देख के पूर्व से यात्रा करके उन लोग यहां पर यरूशलेम में आए। आमेन, वो लोग इज़राइल में आए हेरोद राजा के पास, और हेरोद राजा से पूछा, जो इज़राइल के देश में रह रहा था, कि मसीह का जन्म हुआ है कि नहीं। यरूशलेम के लोगों को और खुद हेरोद राजा को पता ही नहीं था कि मसीह का जन्म हुआ है, पर पूर्व देश के लोगों को पता था कि मसीह का जन्म हुआ है।
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये एक सीजन है जहां पर जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते वो लोग उसका सितारा देख के उसके पीछे जरूर आएंगे। हालेलुया, आमेन। जो लोग भटके हुए, जो लोग उसको नहीं जानते, अपने लोग नहीं पर बाहर के लोग यीशु मसीह का चिन्ह देख के उसकी आराधना करने आएंगे। हालेलुया। बाइबल क्लियरली कहता है यरूशलेम के लोग नहीं, मसीह के खुद के लोग नहीं, पर उस पूर्व के देश के लोगों ने उस सितारे को देखा। हालेलुया। कई बार मैं सोचता हूं दूसरे लोगों को जो यहूदी नहीं है उनको ये चिन्ह कैसे दिखाई दिया। हालेलुया, आमेन। ये एक ऐसा समय है मेरे प्रियो, अगर आप मसीहत से बाहर है फिर भी यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया, आमेन। अगर आप मसीह मसीह है भी नहीं, हालेलुया, ये धर्म के बारे में नहीं है, फिर भी यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। वो बार बार आपको चिन्ह दिखाएगा और आपको अपने तरफ खींचेगा, अपनी आराधना करने के लिए खींचेगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ ऊपर करके हालेलुया बोले। हालेलुया, आमेन। तो पूर्व के लोग उस सितारों को देख के यरूशलेम के देश में आए। हालेलुया। जैसे वो लोग आए उन लोगों ने कहा कि मसीह का जन्म हुआ है, यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। वो कहां पर है? हेरोद राजा से कहा। आमेन। हेरोद राजा ने उनसे कहा कि कहां पर, मुझे नहीं पता, यहां पर बाइबल में अभी पास्टर ने पढ़ा, मैं मुझे नहीं पता कहां पर जन्म हुआ है। हालेलुया। पर उन्होंने कहा कि हमने उसका सितारा देखा है। तो हेरोद राजा ने उनसे कहा जाकर उसकी आराधना करो और आराधना करके उससे मिलके हो गया तो मुझे भी बोलो। हालेलुया। पर हेरोद राजा मसीह के जन्म से डर चुका था, भयभीत हो चुका था। और बाइबल ऐसा कहता है, जब हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि यरूशलेम के सारे लोग मसीह के जन्म होने के कारण, ये खबर के कारण वो लोग डर चुके थे, वो लोग भयभीत हो चुके थे। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने, जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, मैंने कहा उस दिन यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर होता है। हालेलुया। हेरोद राजा और यरूशलेम के लोग शैतान के राज्य का प्रकटीकरण है। हेरोद राजा और यरूशलेम के लोग शैतान के राज्य का प्रकटीकरण है। हालेलुया। उन शैतान के राज्य को वो लोग दर्शाते हैं। आमेन। जिस दिन बेथलहम के देश में खबर आई कि मसीह का जन्म हुआ है, हेरोद राजा और यरूशलेम के लोग डर गए। जिस दिन खबर पहुंचती है कि ब्रदर ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, अंधकार के सारे राज्य और सारे शैतान डरने लगते हैं। क्या आप लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, आमेन। जिस दिन आप यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर होता है, हालेलुया, शैतान उस खबर से डरने लगता है, शैतान का राज्य उस खबर से डरने लगता है। अभी क्या होगा? यीशु मसीह का जन्म इसके अंदर हुआ है। हालेलुया, आमेन। हालेलुया। उसके बाद वो लोग वहां से चले गए और यीशु मसीह उनको मिला और वहां पर यीशु मसीह का आराधना वो लोग करने लगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल का किताब में, डैनियल की किताब में, उसके 12वां अध्याय में पढ़ेंगे। डैनियल का किताब उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। थैंक यू जीसस। डैनियल का किताब उसका 12वां अध्याय उसका 3रा वचन। अपनी माता की कोख ही में उसने अपने भाई को उनका मारा। डैनियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया, आमेन। वहां पर जैसे भाई ने पढ़ा, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, आमेन, जो धर्मी है, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, वो लोग आकाश में तारों के समान चमकेंगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो सितारा वो पूर्व के देश के लोगों ने दिखाया, देखा, वो सितारा आप है मेरे प्रियो, आमेन। वो सितारा आप है मेरे प्रियो। आने वाले दिनों में आपको देख के लोग चल के आएंगे यीशु मसीह का आराधना करने के लिए, आमेन। वो सितारे को जैसे उन्होंने देखा, वो सितारे से पता चला कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। और सितारा उनको एक जगह पे लेके जाने लगा जहां पर यीशु मसीह का एक्चुअल में जन्म हुआ था, आमेन। वो सितारा उनको लेके गया, वो लोग सितारे के पीछे पीछे जा रहे थे। हालेलुया। एक जगह पे पहुंचे जहां पर यीशु मसीह था और उस मसीह का वो लोग आराधना करने लगे। हालेलुया, आमेन। प्रभु ने
मेरे प्रियो, आमेन। प्रभु ने आपको एक सितारा बनाया है, आपको देख के लोग आपको फॉलो करते करते आएंगे, ताकि वो लोग यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ है आपके अंदर उसकी आराधना करने के लिए। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया बोले, आमेन, हालेलुया, आमेन। एक ऐसा सीजन आ रहा है कि मसीह लोग में नहीं, पूर्व देश से, पश्चिम से, वेस्ट से, ईस्ट से, कई सारे लोग आपके जीवन को देख के आएंगे मसीह का आराधना करने के लिए। हालेलुया, आमेन। मसीह यीशु का आराधना करने के लिए आप वो चमकते हुए सितारे हैं। हालेलुया, जिसके चमक से लोगों की आंखें प्रकाशमान होंगे। आपको नहीं जाना पड़ेगा, सितारे ने प्रचार नहीं किया, सितारे ने नहीं बोला आओ, सितारों को देख के वो लोग मसीह यीशु की आराधना करने के लिए निकल पड़े। हालेलुया, आमेन, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको वो सितारा बना सकता है, आमेन, कि प्रभु के उपस्थिति में आप सितारे के जैसे चमक सकते हो। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक सितारों को देख के ही आप आज यहाँ इस जगह पर आए हो। हालेलुया, एक सितारे को देख के आप इस जगह पे आया हो। हालेलुया, प्रभु यीशु का जन्म क्यों हुआ? ताकि जो बंधन में उन लोगों को वो छुटकारा दे सके। हालेलुया, प्रभु यीशु का जन्म इसलिए हुआ जो बीमार है उन लोगों को वो चंगाई दे सके, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है उन लोगों को वो छुटकारा दे सके। हालेलुया, वो सितारे के देख के आप यहाँ पर आए आपके चंगाई के लिए। हालेलुया, आपके चमत्कार के लिए, आपके छुटकारा के लिए। हालेलुया, जहां पर प्रभु यीशु की उपस्थिति है, हालेलुया, वहां पर चंगाई जरूर है, आमेन। जहां पर वो व्यक्ति उपस्थित है उसका सामर्थ जरूर उसके द्वारा बहता है। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, कितने लोग इस वचन को विश्वास करते हैं? आमेन, हालेलुया, आमेन। उसके बाद जब हम लोग पढ़ते हैं यीशु मसीह के जन्म से शैतान का राज्य घबरा गया, आमेन। हेरोद जो था उसके पीछे शैतान खड़ा था, आमेन। इसके लिए हेरोद घबरा रहा था, डर रहा था, अब क्या होगा। हालेलुया, यरूशलेम के कई सारे लोग, उनके पीछे शैतान था, इसके लिए उन लोग घबरा रहे थे, अब क्या होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर आज आप आपके जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, बीमारी आपसे घबराने लगेगी। हालेलुया, आमेन। गरीबी आपसे घबराने लगेगी, आमेन। हालेलुया, शैतान आपसे घबराने लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म आपके अंदर हुआ है, आपके काबिलियत की वजह से नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए आपका कोई भी काबिलियत की जरूरत नहीं है कि आपको 12th पास होना है, ग्रेजुएट होना है, ये होना है, वो होना है, इंग्लिश आना चाहिए, प्रचार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वीकार करना मतलब सिर्फ सिंपली उसको रिसीव करना, अपने जीवन में बुलाना, अपने जीवन में आमंत्रण करना। हालेलुया, जब भी वो काम आप करते हो, एक सुपरनेचुरल इंसान का जन्म आपके अंदर होता है। हालेलुया, और बाइबल कहता है जो मेरे अंदर रहता है वो बड़ा है जो वो बाहर दुनिया में रहता है। हालेलुया, आमेन। जो हमारे अंदर रहता है वो शैतान जो बाहर रहता है उससे भी महान है, उससे भी ताकतवर है और बलवंत है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज क्रिसमस के दिन कि यीशु मसीह आपके अंदर जन्म लेना चाहता है। हालेलुया, आज क्रिसमस के दिन यीशु मसीह का सामर्थ आपके अंदर जन्म लेना चाहता है, उसका चंगाई आपके अंदर जन्म लेना चाहता है। हालेलुया, आपके गरीबी को निकालना चाहता है, आपके बीमारी को निकालना चाहता है, और आपको छुटकारा के अंदर लाना चाहता है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। लूका का किताब में हम लोग जाएंगे, उसका पहला अध्याय, लूका का किताब उसका पहला अध्याय 35 से लेके 38 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 1 35-38। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबिनी एलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, यह उसका जो बहन कहलाती छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया, आमेन। यीशु के जन्म के बारे में लिखा है। हालेलुया, यीशु का जन्म कैसे हुआ? आमेन, मरियम के द्वारा यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया, मरियम का एंगेजमेंट क्या बोलते हैं? साकरपुड़ा, आमेन। हिंदी में क्या बोलते हैं?
सगाई हो चुका था। आमेन। मरियम का एक जोसेफ नामक व्यक्ति से सगाई हो चुका था। हालेलुया। और शादी होने के लिए वो लोग इंतजार कर रहे थे। सगाई और शादी, क्या बोलते हैं, सगाई और शादी के बीच में एक स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। हालेलुया। और मरियम को कहता है कि प्रभु का आत्मा, परम प्रधान प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर छाया करेगा और तू गर्भवती हो जाएगी। हालेलुया। और तू एक बच्चे को जन्म देगी, आमेन, जो इस दुनिया का, इज़राइल का उद्धार करता होगा। हालेलुया। अभी जो लेडीज लोग हैं, मुझे आप बताइए, जिन लोगों का शादी हो चुका है, हालेलुया, आप अपने सगाई और अपने शादी के बीच में खड़े हैं। हालेलुया। और स्वर्गदूत आपके पास आता है और आपको कहता है, आमेन, आपके ऊपर ऐसा पवित्र आत्मा आएगा और आप एक बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। क्या आप उस स्वर्गदूत के वचन को स्वीकार करोगे क्या? आमेन। हालेलुया। स्वीकार करोगे क्या? अगर स्वीकार करोगे तो सोसाइटी में, हालेलुया, अपने परिवार में आपका नाम का निंदा होगा। हालेलुया। लोग आपके बारे में गलत सोचेंगे, इसको बच्चा कैसे हुआ। हालेलुया। आप किस किस को जाके समझाओगे, नहीं नहीं स्वर्गदूत आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, आप किसी को समझा नहीं पाओगे। हालेलुया। आमेन। इसलिए आप किसी को समझा नहीं पाओगे, मतलब उस वचन को स्वीकार करना मरियम के लिए उस वक्त बहुत मुश्किल था। हालेलुया। उस वचन को स्वीकार करना मरियम के लिए उस वक्त बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था। आमेन। उस वचन को अगर वो स्वीकार करती, उसने पता था कि हो सकता है उसकी शादी टूट सकती है, उसके बाद उसको कोई भी आदमी नहीं मिलेगा उसके शादी के लिए, क्योंकि सोसाइटी में उसका नाम खराब हो सकता है। हालेलुया। और स्वर्गदूत भी देखो कभी आया, स्वर्गदूत उसके शादी के बाद नहीं आया। आमेन। हालेलुया। स्वर्गदूत उसके सगाई के पहले नहीं आया, स्वर्गदूत उसके सगाई और शादी के बीच में आया। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज एक ऐसा सीजन है कि परमेश्वर अपने वचन को लेके आपके पास आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप अपने वचन को लेके आपके पास आ रहा है। हो सकता है उस वचन को स्वीकार करना आज के दिन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। हो सकता है उस वचन को स्वीकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। आमेन। पर मरियम ने उन मुश्किलों को नहीं देखा, पर स्वर्गदूत के बातों को उसने स्वीकार किया। आमेन। स्वर्गदूत के बातों को उसने रिसीव किया और पवित्र आत्मा के द्वारा उसने एक बच्चे को जन्मा। हालेलुया। उसके बाद हम देखते हैं मरियम का शादी नहीं टूटा, मरियम का नाम का निंदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, परंतु मरियम वो आशीषित स्त्री बनी जिसने उद्धारकर्ता को जन्म दिया। हालेलुया। इस दुनिया में कई सारे औरत पैदा हुए और मर चुके, क्या उनका नाम आपको याद है? हालेलुया। क्या उनका नाम आपको याद है? आपके टीचर का नाम आपको याद है जो आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाती थी? हालेलुया। पर आज भी हम लोग मरियम के नाम को याद रखते हैं। हालेलुया। आज भी हम लोग मरियम के नाम को याद रखते हैं, क्योंकि एक मुश्किल समय में उसने प्रभु के वचन को स्वीकार किया, उसने पवित्र आत्मा के स्वीकार किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मसीह लोग मुश्किल समय में, कठिन समय में प्रभु के वचन को सुनते, उसको स्वीकार करते, वो लोग हिस्ट्री को क्रिएट करते, वो लोग इतिहास में याद रखे जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। इतिहास में आपका नाम याद रखा जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। फेमस बनना सिर्फ टीवी पे आने से नहीं, पवित्र आत्मा भी आपको फेमस बना सकता है। इतिहास में के पन्नों पे आपका नाम वो लिख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप खुश है, जब भी आप आनंदित है, प्रभु का वचन बहुत आसानी से आप स्वीकार कर पाते हो। आमेन। पर जब भी आप तकलीफ में हो, जब भी आपके पास पैसा नहीं है, जब भी बीमारी आपको छोड़ रही है, तभी क्या आप प्रभु के वचन को स्वीकार करते हो? हालेलुया। तभी क्या आप प्रभु के वचन को स्वीकार करते हो? हालेलुया। जो लोग मुश्किल में, कठिनाइयों में, बीमारियों में प्रभु के वचन को स्वीकार करता है, हालेलुया, प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, हालेलुया, वैसे ही लोगों का नाम जीवन के किताब में लिखा गया है। उन जीवन के किताब में से वैसे लोगों का नाम कभी मिटाया नहीं जाता। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मसीह को बहुत लोग स्वीकार करते, कठिनाइयां आती है, बीमारियां आती है, वो लोग मसीह को छोड़ने लगते हैं। हालेलुया। जीवन की किताब में उनका नाम आया, पर मसीह को वो लोग छोड़ने लगते हैं, क्योंकि कठिनाइयां है, बीमारी है, अभी मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। पर मरियम वैसी नहीं थी मेरे प्रियो। मरियम ने कहा, मेरे शादी
अगर मेरी शादी टूटती है टूटने दो, अगर मेरे नाम का निंदा होता है होने दो, पर मैं प्रभु की योजना को जरूर मैं स्वीकार करूंगी। मैं प्रभु के योजना को स्वीकार करूंगी। प्रभु तेरा जो कुछ भी योजना मेरे जीवन के लिए है उस योजना को मैं स्वीकार करती हूँ। मुझे नहीं पता इसको स्वीकार करने के बाद मेरे साथ क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, पर उस योजना को मैं स्वीकार करती हूँ। हालेलुया। उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ मेरे प्रियो, प्रभु पवित्र आत्मा ने उसको ऊपर उठाया, पवित्र आत्मा ने उसको ऊंचाई पे लेके गया। हालेलुया। उसके द्वारा उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। आमेन। हालेलुया। अगर मरियम ना बोलती तो पवित्र आत्मा किसी और को ढूंढता। हालेलुया। अगर आप ना बोलते हो पवित्र आत्मा प्रभु किसी और को ढूंढता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज जो कोई भी परिस्थिति में आप हो प्रभु के वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु का वचन ये है कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना चाहता है और यीशु का जन्म आपके जीवन के अंदर वो करना चाहता है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। आमेन। ये प्रभु का वचन है, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आना चाहता है और यीशु का जन्म आपके अंदर वो करना चाहता है। हालेलुया। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती का किताब, मत्ती का किताब उसका 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। और एक बार, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपके जीवन में आज जो कुछ भी तकलीफ है, अगर बीमारी है, अगर गरीबी है, उसका जो मूल कारण है वो पाप है। हो सकता है आपका पाप होगा, हो सकता है आपके पूर्वों का पाप होगा। वो पाप के कारण, बाइबल ऐसा कहता है, पाप के कारण इंसानियत में मृत्यु आया, पाप के कारण बीमारी आई, पाप के कारण गरीबी आई। हालेलुया। ये इंसान के परेशानी के कारण, मूल कारण को निकालने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। मैं वापस से कहना चाहता हूं, इंसान के पाप का मूल कारण को जड़ से उखाड़ के निकालने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। उसने मृत्यु के मूलों को, जो रूट्स थे, उसको पकड़ा और जड़ से उखाड़ फेंका। हालेलुया। अभी आपको मृत्यु देखना नहीं पड़ेगा। जो लोग यीशु पे विश्वास करते हैं वो उसके साथ अनंत काल के लिए जीवित रहते हैं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। सब लोग जोर से चिल्लाए हालेलुया। आमेन। हालेलुया। थोड़े बीच के लोग ठंडे हैं, फिर बीच के लोग गर्म है, ऐसा है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का जन्म का कारण क्या है। बाइबल कहता है उसका जन्म होगा और वो अपने लोगों को उद्धार देगा, मतलब पाप से छुड़ाएगा। आमेन। बहुत लोग बोलते हैं आपको पापों की क्षमा मिलेगी। आमेन। फिर आप वापस पाप कर सकते, वापस क्षमा ले सकते। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ वापस से पाप करने के लिए यीशु मसीह नहीं आया। पाप को, बीमारी को, गरीबी को जड़ से उखाड़ने के लिए यीशु मसीह आया। कितना विश्वास करते हैं, जड़ से उखाड़ने के लिए यीशु मसीह आया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रार्थना के साथ आज बैठे, अगर आपके जीवन में गरीबी है, बीमारी है, शैतान आपको परेशान कर रहा है, उस परेशानी को आज जड़ से उखाड़ने के लिए यीशु मसीह यहाँ पर उपस्थित है। हालेलुया। यही है क्रिसमस मेरे प्रियो। हालेलुया। और ये सिर्फ 25 दिसंबर को वो नहीं करता, वो हर रोज हर समय वो कर सकता है। हालेलुया। आमेन। कितने लोग खुश है? हालेलुया। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ कई लोग कई चीजें करते हैं। आमेन। उनको बीमारी है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेते हैं। हालेलुया। कुछ दिन बाद वो बीमारी वापस आता है। हालेलुया। आमेन। कई लोग कई जॉब पे जाते हैं, वो बोलते हैं ये जॉब करने से मेरे घर में समृद्धि आएगी, मुझे अभी पगार मिलेगा। पर आप देखते हो वो जॉब करने के बाद भी आपके घर में शांति नहीं है। हालेलुया। आपके घर में पैसों में बरकत नहीं है। हालेलुया। आमेन। वो जॉब आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को नहीं हटा सकता। यीशु मसीह आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ के निकाल सकता है। हालेलुया। उसके बाद आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, नमक भी बेचो, फिर भी आपके घर में समृद्धि आपको मिलेगी। हालेलुया। क्योंकि एक बड़े जॉब से आपको समृद्धि आप नहीं देख सकते। यीशु मसीह अगर आपके साथ है तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह आपके पास है
तो आपके पास सब कुछ है मेरे प्रियो। हालेलुया, क्योंकि पूरे दुनिया के चीजों को, पूरे स्वर्ग को और पूरे पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह के हाथों में दिया गया है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री एक आखिर का वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, थैंक यू जीसस। हालेलुया, शबराला थरबला। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय पांचवें वचन से पढ़े, जैसा यीशु मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। आगे पढ़े छठवां सातवां और आठवां, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सहनी। नौवां वचन पढ़े, नौवां और दसवां, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु के नाम को सब नामों में श्रेष्ठ रखा, सब नामों से ऊंचा रखा, ताकि पृथ्वी में, स्वर्ग में और पाताल लोक में जितने भी लोग हैं, जो भी नाम है, वो यीशु के नाम के नीचे घुटने टेके, उसके नाम के सामने झुके। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं वो सबसे ऊंचा नाम वाला व्यक्ति आपके अंदर रहना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर वो सबसे ऊंचा नाम वाला व्यक्ति आपके अंदर रहता है, बीमारी आपके सामने झुकने लगेगी, गरीबी आपके सामने झुकने लगेगी, हर एक प्रॉब्लम आपके सामने झुकने लगेगी। हालेलुया। परंतु आपको क्या करना है, हर एक समय में, हर एक कठिन समय में उस नाम के वचन को आपको स्वीकार करना है। हालेलुया। जब भी कठिन समय में आप वचनों को स्वीकार करते हो, कुछ देर बाद वो वचन आपके जीवन में फल लाते हैं। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहता है, यीशु मसीह कहता है, जो शब्द, जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वो सिर्फ खाली शब्द नहीं है, परंतु वो जीवन और वो आत्मा है। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ये वचन जब भी आप स्वीकार करते हो, आपके जीवन में वो जीवन को क्रिएट करता है, लाइफ क्रिएट करता है, वो आत्मा के सामर्थ को क्रिएट करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है प्रभु के सामर्थ को अनुभव करने के लिए। कितने लोग तैयार है यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग तैयार है पवित्र आत्मा को अनुमति देने के लिए कि वो आपके जीवन के ऊपर छाया करे। कितने लोग तैयार है, कम ऑन। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। शाबाला का जोबोरिया चदार दे। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। शाबाला सोतो शाबारे गलापदिया सितो शारु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया।